क्या आपको पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में तलाक का जो रेट है, यानी कि डिवोर्स रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपनी रिलेशनशिप को और बेहतर कैसे बनाएं? हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बात कर रही हूँ इस किताब की जिसका नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो मैं आपको बताऊंगी ऐसी चार बातें जो मैंने इस किताब को पढ़कर सीखी हैं। सबसे पहली चीज है, आदमी और औरत अलग होते हैं। जी हाँ, फिजिकली तो हम अलग हैं ही, लेकिन जब हम प्यार में होते हैं या फिर जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, जब हमें अपनी बात कहनी होती है या फिर जब हमें कोई चीज खुश करती है, ये सभी चीजें अलग अलग होती हैं। भले ही हम ये बात कहें कि एक आदमी और औरत सेम है, वो एक औरत वो सब कुछ कर सकती है जो एक आदमी करता है, लेकिन फिर भी हमारा जो जिंदगी जीने का तरीका है वो ही बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ इसे एक एग्जांपल से कि जब किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम होती है, यानी वो अगर स्ट्रेस में होता है, तो उसका जो पहला रिएक्शन होता है वो ये होता है कि वो अकेला रहना पसंद करता है। वो चाहता है कि उसे उसकी प्रॉब्लम के साथ छोड़ दिया जाए और उसके बाद वो उस प्रॉब्लम से खुद बाहर निकले। लेकिन जब कोई औरत किसी प्रॉब्लम में होती है या अगर उसे स्ट्रेस होता है, तो वो चाहती है कि अपनी बात अपने दोस्तों को बताए, अपने परिवार में बताए, अपने हस्बैंड को बताए, और वो अपनी बातों को शेयर करके अपने आप को रिलैक्स करना चाहती है, अपने स्ट्रेस को कम करना चाहती है। दूसरी चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि हमारी नीड्स बिल्कुल अलग है। एक आदमी चाहता है कि उसे उस वो जैसा भी है उसके लिए मोटिवेट किया जाए, उसे एक्सेप्ट किया जाए, उसे चेंज करने की कोशिश ना की जाए, जबकि एक औरत चाहती है कि उसकी हर बात को सुना जाए। जब वो कुछ एक्सप्रेस करे तो लोग उसे सुने, उसकी बात को रिस्पॉन्ड करें, उसे रिस्पेक्ट दें, उसके हर काम में उसका साथ दें। तीसरी चीज जो मैंने इस किताब से सीखी वो ये कि हम अपने आपस के मतभेद को कैसे सुलझाएं। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि बचपन से हमारी ट्रेनिंग या सदियों से जो हमारे दिमाग में डाला जा रहा है वो क्या है। एक लड़का जब अपने इमोशंस दिखाता है या रोता है तो लोग उसे क्या कहते हैं? क्या यार, तू लड़कियों की तरह रो रहा है, बी अ मैन। और वही एक औरत बचपन से क्या सुनती हुई आ रही होती है, बचपन में ही उसके दिमाग में ये ट्रेनिंग डाल दी जाती है कि तुम्हें तो पराए घर जाना है, तुम्हें तो अपना बेस्ट करना है, अरे सही से सीख लो वरना सास के साथ कैसे चलेगी, तुम्हारी सास तो तुम्हें चोटी पकड़ के बाहर निकाल देगी। तो इस तरह की ट्रेनिंग से हमारे दिमाग में इतना असर पड़ता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी वो चीजें हमारे साथ रहती हैं। एक आदमी को हमेशा अपने इमोशंस हाइड करने के लिए कहा जाता है, इसी वजह से हमने बहुत सारे आदमियों को देखा होगा कि वो अपने मन की बात कभी भी पूरी तरह नहीं बताते। थोड़ा सा कुछ बताएंगे लेकिन उसके बाद वो अपने आप को वापस होल्ड बैक कर लेते हैं कि मैं आगे नहीं बताना चाहता। वहीं एक औरत दूसरों को इम्प्रूव करने में लग जाती है क्योंकि बचपन से उसे भी वही इम्प्रूवमेंट का ज्ञान दिया गया होता है। चौथी चीज जो मैंने इस किताब से सीखी वो ये है कि आप अपने पार्टनर को खुश कैसे रख सकते हैं। तो इस बात के लिए मैं इस किताब से कुछ कोट करना चाहूंगी। करीब 101 तरीके बताए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब आप घर पहुंचे तो सबसे पहले कोई और काम करने से पहले अपनी बीवी को हग करें। दूसरा है कि उससे दिन भर में क्या हुआ ये पूछें। तीसरा है कि जब वो बता रही हो तो उसे चुपचाप सुने, उसकी बात को बीच में काटे ना। उसके बाद है कि अगर आप डेट पर जाना चाहते हैं तो पहले से प्लान करें, लास्ट मोमेंट पे उसे सरप्राइज ना दें कि चलो आज फ्राइडे नाइट है कुछ करते हैं। अगर आप लेट होने वाले हैं तो अपनी वाइफ को मैसेज या कॉल करके बता दें। दिन भर में कम से कम 2 बार अपनी बीवी को मैसेज करके या कॉल करके बताएं कि आप उसे प्यार करते हैं। और इसी तरीके से एक आदमी को खुश करने का तरीका क्या है वो भी इसमें लिखा हुआ है। एक औरत को ये समझना चाहिए कि जब उसका हस्बैंड छोटी छोटी चीजें नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वो किसी बड़ी प्रॉब्लम पर फोकस कर रहा है। किताब में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं जो आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप भी अपने पार्टनर को खुश रख सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अल्टीमेटली हम सब इसलिए हार्डवर्क कर रहे होते हैं, दिन रात पसीना बहा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं ताकि हम खुश रह सकें। अगर हम अपनी रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से समझेंगे तो हमारी लाइफ और भी ज़्यादा बेटर हो सकती है। हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचने से कि फ्यूचर में अगर पैसा आ जाएगा, फ्यूचर में अगर बड़ा घर आ जाएगा, बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपके पास कम पैसे हैं, अगर आपके पास छोटा घर है, अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो भी आप खुश रह सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को अपना कर। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस किताब को पढ़ना
तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके भी सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है किताब पढ़ने का, तो आप इसे सुन भी सकते हैं, क्योंकि ये ऑडियो फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिससे कि आप चलते फिरते काम करते भी इस किताब को सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।